फोन गया कि मैं आपके बच्चे को प्रभात कुमार को मार करके फेंक दिया गया है। अयोध्या थाना में रामाश्रय सिंह नाम का एक व्यक्ति द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराया गया कि उनका लड़का प्रभात कुमार 30/1/23 को शाम में घर से निकला था और वो नहीं मिल रहा था। उसी दिन रात में एक मोबाइल से उन लोगों को खबर गया कि आपके लड़का को कुछ कुछ दो तीन आदमी का नाम बताते हुए दिया कि मारपीट करके और नदी किनारे फेंक दिया है। प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को घर में कैद करके जमकर पीटा गया। इस दौरान उसका हाथ पैर बांध कर पीटा गया। वाद मरा हो गया, उसे मृत समझकर नदी किनारे फेंक दिया गया। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के विजय छपरा मोहल्ले की है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। आरोप है कि लड़की के परिजनों ने युवक को मृत समझकर घर से 200 मीटर घसीटते हुए नदी किनारे ले गए। वहां एक गेहूं के खेत में उसे फेंक दिया। लड़के से जब अपने प्रेमी की पिटाई का दर्द नहीं सहा गया तो उसने उसके दोस्त को मोबाइल पर फोन करके घटना की जानकारी दी। फिर उसने लड़के के पिता को जानकारी दी। पिता अपने ग्रामीणों के साथ अहियापुर थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। उसने पुलिस को बताया कि उसके बेटे की हत्या करके शव को फेंक दिया गया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लड़के के पिता को पुलिस जीप में बैठाकर उसके प्रेमिका के घर पर पहुंचा। पुलिस ने लड़की के पक्ष 5 लोगों को उठाकर थाने लाया। करीब 2 घंटे तक पूछताछ की तो किसी ने घटना के संबंध में कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी। फिर पुलिस ने लड़की से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि नदी किनारे उसको गेहूं के खेत में फेंका गया है। पुलिस करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को बेहोशी की हालत में गेहूं के खेत से खोज निकाला। फिर उसे SKMCH के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। जख्मी युवक के पिता ने घटना को लेकर SKMCH की पुलिस को अपना बयान दिया है। घटना हुआ है सर कि हम लोग सोए हुए थे घर पर। घर पर सोए हुए थे तो वहाँ पर 12 बजे रात में फोन गया कि मैं आपके बच्चे को प्रभात कुमार को मार करके फेंक दिया गया है। तो हम लोग तुरंत आए, मुजफ्फरपुर आए, यहाँ पर थाना में आए। थाना में सर जी से मुलाकात किए। सर जी से मुलाकात करने के बाद में उनको कह कि जे सर जी से हमारे बच्चे को मार करके फेंक दिया गया है यहाँ विजय छपरा में, से चल करके तंगम बरामद कर लिया जाए सर। प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है तो वही मैं वो लोग चले हमारे साथ है। उनके घर पर पहुँचे तो लड़की वाले के घर पर जो है कोई आदमी, सभी आदमी तो पकड़ा गया। अयोध्या थाना में रामाश्रय सिंह नाम का एक व्यक्ति द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराया गया कि उनका लड़का प्रभात कुमार 30/1/23 को शाम में घर से निकला था और वो नहीं मिल रहा था। उसी दिन रात में एक मोबाइल से उन लोगों को खबर गया कि आपके लड़का को कुछ कुछ दो तीन आदमी का नाम बताते हुए दिया कि मारपीट करके और नदी किनारे फेंक दिया है। इस पर जब उन्होंने जाकर के सूचना का सत्यापन कराया तो उस जिसका नाम बताया था उन लोग अपने घर में बैठे हुए थे, इन लोगों को देखकर भागने लगे। तो उन लोगों को जब पकड़कर उन लोगों के द्वारा ही पूछताछ किया गया तो बताया कि फलना जगह मारपीट करके हम लोग उसको फेंक दिए हैं, जहाँ से उनको जख्मी अवस्था में बरामद किया गया है और इलाज के लिए SKMCH में भेजा गया है और जो तीनों व्यक्ति नामजद प्राथमिकी में हों तीनों को गिरफ्तार किया गया है। सर मारपीट के साथ क्यों किया? मारपीट क्यों किया? अभी तो लड़का जिसका मारपीट किया गया वह अभी बेहोशी हालत में है, जब होश में आ जाएंगे तो कारण स्पष्ट पता चलेगा। सर गिरफ्तारी कितनी है? 3 आदमी को गिरफ्तार किया गया जो कि प्राथमिकी नामजद है।